ये कल दिनांक 7 तारीख को एक महिला साक्षी चौहान रेजिडेंस ऑफ काल्टा निवास सिमेट्री पुलिस स्टेशन डली में अपना एक बयान दर्ज करवाया, जिसके तहत उन्होंने उनके बैंक अकाउंट में फर्जी होने के बारे में उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसमें हमने 400 धारा 420 के तहत FIR रजिस्टर कर लिया गया है। मामला दरअसल इस तरह से है, सन 2014 में इन्होंने HDFC बैंक संजौली में पहली बार अपना अकाउंट खुलवाया था। जब ये मार्च 2021 को इन्होंने अपना जो लिंक मोबाइल नंबर होता है अकाउंट का, वो चेंज करने तथा एक डेबिट कार्ड इशू करने के लिए जब ये वहाँ गए और इन्होंने अपना डेबिट कार्ड इशू करवाया, जिसका एड्रेस इन्होंने बोरीवली मुंबई का दिया। सितंबर 2021 में जो इनका जो लिंक नंबर मोबाइल नंबर था वो इनसे गुम हो गया था। दोबारा इनको जब दिसंबर 2021 को इनको पता चला कि इनके अकाउंट से 30,000 रुपये किसी ने फर्जी तरीके से निकाल लिया है, तो उन्होंने ये बैंक अधिकारियों को सूचित किया इस बारे में कि इनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी हुआ है। तो जब उन्होंने कहा कि इनके अकाउंट को ब्लॉक किया जाए, तब उन्हें जानकारी मिली कि इनके अकाउंट जो डेबिट कार्ड है इससे रिलेटेड 4 और लोन अकाउंट्स खुले हुए हैं। तो जिस बारे में इन्होंने पुलिस को पूरे सिलसिलेवार जानकारी दी, तो और उन्हें मालूम हुआ कि उनके अकाउंट से कुल 3,50,000 रुपये का फर्जी धोखाधड़ी हुआ है। तो इस मामले में हमने FIR रजिस्टर कर लिया है और आगे की तफ्तीश जारी है, तथा हम इस बारे में लोगों को और आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह से सतर्क रहें और अपने जो बैंक डिटेल्स हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें, ताकि इस तरह के धोखाधड़ी से वो बच सकें। हम समय समय पे इस बारे में एडवाइजरी इशू करते हैं और कंपेन भी चलाते हैं, लोगों को आगाह करते हैं कि अपने जो बैंक डिटेल्स हैं वो किसी के साथ, जिसमें OTP हो गया, इस तरह से जो जानकारी हैं, जो सीक्रेट जानकारी हैं, वो किसी के साथ थर्ड पर्सन के साथ शेयर ना करें, ताकि इस तरह के धोखाधड़ी से वो बच सकें।